हेलो गाइस, हाउ इज गोइंग। आई होप सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल पेपर के बारे में, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बहुत दे दिया क्योंकि सुबह से इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दो तीन था। वेल सो जो भी है, खैर वो अपने पॉइंट पे है, हमारे अपने पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो अब देख लेना ये पेपर, ये जो पेपर है सैम्पल पेपर है, मैं इसको प्रैक्टिस पेपर बोलता हूँ क्योंकि सैम्पल पेपर जो है एंड दिस पेपर इज रिगार्डिंग टू टू सीबीएसई आल्सो, ठीक है ना। जो पेपर है सीबीएसई का ऑलरेडी पेपर्ड पेपर है, सो इसमें कोई डाउट नहीं है। डोंट थिंक कि मैंने अपने खुद से पेपर बनाया, ऐसा नहीं है। पेपर तो मैंने खुद से ही बनाया, बट देख के बनाया। जो वैसे जो पेपर था उसमें से इसको जो मैं जो बुक था उसमें से कॉपी करके फिर मैंने उसको प्रिंट किया था। मतलब प्रिंट मतलब पीडीएफ बना के उसके बाद मैंने प्रिंट करके पेपर को फिर स्कैन करके अपने पास रखा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये जो है अभी कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी में किया था। तो पेपर प्रिंट करके मैं अपने पास रख के जो भी थे जो जो दिस आर माई स्टूडेंट्स, ओके ना। सो मतलब जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, मैंने आई ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देम, सो दिस इज द लास्ट वन हियर, ठीक है ना। चलो वेल, एक्चुअली आई एम नॉट टीचिंग द 10th क्लास स्टूडेंट, बट एक्चुअली आई एम टीचिंग सम अदर स्टूडेंट्स लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन द बेसिक ऑफ देम, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यू नो बिकॉज लॉट्स ऑफ द चिल्ड्रंस सॉच दैट थे टाइप ऑफ थिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको भी हेल्प कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है उनको तो हो ही जाएगा, बाकी जो कि और नहीं है उनके पास नहीं है तो उनको क्या है, क्योंकि लॉट्स ऑफ द पीपल दे कैन नॉट एफर्ड दैट टाइप ऑफ थिंग्स, ओके ना। लेकिन सीबीएसई का बात अलग है यार, अमीर के बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं, अमीर लोग के नहीं, गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना कि वो एफर्ड नहीं कर सकते उन एक्स्ट्रा चीज़ेस लाइक ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, क्योंकि मैंने खुद देखा है उतना, तो इसलिए हेल्प करना इट इज़ अच्छी बात होती है। चलो ठीक है, तो बात है घर की। खैर देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यू हैव टू बी मेक सेंस ऑफ दैट वन, कि जितने भी प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी प्रूवेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, और जितने भी तुम्हारे ये स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे और डायग्राम के, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे मतलब एक साल से कुछ किए नहीं हो, सिर्फ बंक ही मारे हो, तो अभी आके सोच रहे हो पास करने के लिए, तो वही पे फोकस करो। अगर अदरवाइज जो भाई गर्ल्स को तो कोई नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि वो भाई तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो वो पढ़ लेते हैं भाई, पता नहीं कैसे क्या कर लेते हैं हम लोग को, क्योंकि मेरे कॉलेज में सेम प्रॉब्लम था। हम लोग को सर बोल दे कि ये करके लाना है, हम लोग से होता नहीं था, वो लोग पता नहीं कंप्लीट कर लेते। हम लोग से आज तक असाइनमेंट जो होता है ना, असाइनमेंट हम लोग का असाइनमेंट आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। हम लोग जो इंटरमीडिएट में लोग असाइनमेंट दिखाए ही नहीं है। 10 दिन छुट्टी मिला था हम लोग को असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, तब पर हम लोग नहीं किए थे, आधा हुआ था। लेकिन खैर बात अलग था कि प्रिंसिपल से बात सुन ली हम लोग, खैर दिस इज द समथिंग डिफरेंस, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज द लास्ट फीलिंग विल कम अंडर फ्रॉम द हार्ट, सो दैट्स वन। वेल तो यहाँ पे जितना है सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इस पेपर में जितने भी थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इस पेपर में जो है वो इतना ही है। तो आई होप जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है ना। एंड जो भी है वो अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ जैसे कि सोशल का साइंस का प्रैक्टिस पेपर और चाहे मॉडल पेपर जो भी बोला आप सैम्पल पेपर ऐसा आपको चेकआउट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, चाहे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। अदरवाइज मेरे चैनल पर क्लिक कर लेना, ठीक है, मेरे नहीं अपने ही चैनल बोलो, ठीक है। क्लिक करके आप वीडियो पे मत जाना, क्योंकि वीडियो पे बहुत ज़्यादा क्या रहेगा ना, बहुत ज़्यादा वीडियो रहेगा, तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली, क्योंकि जो भी है मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि ईजी रहता है फाइंड करने में, तुम लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। सो आई होप इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड वी विल मीट अनदर वीडियो। जय हिंद।